हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें हम स्पेशली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, में कुछ एब्जॉर्प्शन लॉज पढ़े लाइक लैम्बर्ट्स लॉ, देन वियर लैम्बर्ट्स लॉ। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच आर अकर्स इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी यौगिक के अणु हायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, चूँकि हम यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो हम यह कहेंगे कि यौगिक के अणु जब उच्च ऊर्जा वाले यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और वे एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आने से जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट उससे पहले हम यह देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ में के अणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिग्मा एवं पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एवं पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, जो कि निम्नतर ऊर्जा स्तर यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होती है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। फर्स्ट इज सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, नेक्स्ट इज एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, थर्ड इज एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, फोर्थ इज पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सो फर्स्ट वन इज सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। यह ट्रांजिशन उन अणुओं में जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, यानी जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा उनमें केवल मात्र है एक ट्रांजिशन पाया जाएगा, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इसका अच्छा एग्जाम्पल हैं, जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये एक ही प्रकार का ट्रांजिशन पाया जाता है। लाइक CH4 शोज एब्जॉर्बेंस एट 125 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर से नीचे के जो ट्रांजिशंस हैं उन्हें हम वैक्यूम में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन जो है वो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, लाइक एल्कीन्स, एल्काइन्स, कार्बोनिल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एल्कीन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन 172-205 नैनोमीटर। नेक्स्ट है एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। N टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इट इज़ फाउंड इन द सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। यानी ऐसे अणु जिनमें ऐसे परमाणु उपस्थित हों जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लाइक ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो इनमें इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो इनमें एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाता है।
These transitions requires less energy than sigma to sigma antibonding transition. यानी N to sigma antibonding transition में energy की requirement sigma to sigma antibonding transition से कम होती है. Fourth है आपका N to pi antibonding transition. An electron from non-bonding orbital is promoted to antibonding pi orbital, pi antibonding orbital. यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, वो नॉन बॉन्डिंग से उसका एक्साइटेशन यानी कि उसका प्रमोट होगा, कहाँ होगा, pi antibonding orbital में. तो यह जो है जनरली उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें डबल बॉन्ड के साथ साथ हिट्रो एटम भी प्रेजेंट हो. यानी लाइक आपके सी डबल बॉन्ड ओ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यानी कार्बोनिल और साइनो ग्रुप्स में इट रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड शो absorption at longer wavelength around 300 nanometer. मतलब इस transition के लिए जो है minimum energy की requirement होगी, और जब energy minimum होगी तो wavelength क्या होगी, ज़्यादा होगी. because we know that energy और wavelength का जो आपस में relationship है वो है E is directly proportional to 1 by lambda. ओके, तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, दैट मींस हायर वेवलेंथ पर इसका एब्जॉर्प्शन होगा. इस डायग्राम में हम यह देख सकते हैं कि नीचे सबसे नीचे आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, उसके बाद में बीच में आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को शो किया गया है, उसके बाद में आपके बॉन्डिंग से कोरिलेट करते हुए एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल दर्शाए गए हैं. लोएस्ट एनर्जी पे आपका सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, देन पाई, उसके बाद आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसके बाद आपका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंड सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाया जाता है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और N टू पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए लोएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन इज सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हैविंग ग्रेटेस्ट एनर्जी, सॉरी लार्जेस्ट एनर्जी एंड रिक्वायर्स लार्जेस्ट एनर्जी, वेयर एज N टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग रिक्वायर्स less energy than sigma to sigma antibonding, then pi to pi antibonding, then N to pi antibonding. ये order जो है इनकी energy requirement का है, इन transitions में जो energy required है उसका order है ये. So we can say that lowest energy is required for the N to pi antibonding transition, or we can say that N to pi antibonding transition shows its absorption at higher wavelength, because energy कम है तो wavelength क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. Now effect of conjugation for molecules having conjugated system of electrons, यानी जब molecules में conjugated system होता है तो क्या effect पड़ता है absorption पर. एक्चुअली में क्या है कि जब हम नॉन कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, यानी एनर्जी गैप जो है वो उनमें नैरो हो जाता है. सो फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या आ जाती है, क्लोजर आ जाती है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं. सो इस वजह से अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ट्रांजिशन के लिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स हायर वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन होगा.
बजाय कि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के. दिस मीन्स दैट लोअर एनर्जी लाइट इज नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, विच मीन्स दैट लोअर एनर्जी लाइट इज एब्जॉर्ब बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम. As conjugated pi systems become larger, the energy gap for a pi to pi antibonding transition becomes increasingly narrow. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि energy gap जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है conjugated system में, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं energy levels. And the wavelength of light absorbed correspondingly becomes longer. क्योंकि energy कम तो wavelength ज़्यादा.